सो हाय फ्रेंड्स, वीडियो में स्वागत है आपका। मेरा नाम है भानु और आइए स्टार्ट करते हैं 25 फरवरी के टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वॉज फॉर्म्ड फॉर रिकमेंडेशन ऑन डेटा प्रोटेक्शन। सो डेटा प्रोटेक्शन के लिए कौन सी कमिटी बनी थी? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। एमबी शाह कमिटी, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमिटी, नचिकेत मोर कमिटी और बिबेक देब रॉय कमिटी। द राइट आंसर इज जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमिटी, डेटा प्रोटेक्शन के लिए बनी थी। बाकी ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। एमबी शाह कमेटी बनी थी ब्लैक मनी के ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए। उसके बाद नचिकेत मोर कमेटी आरबीआई द्वारा बनाई गई थी, दिस वाज फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउसहोल्ड्स, उसके बारे में बनाई गई थी। विवेक देब रॉय कमेटी वॉज फॉर गिविंग रिकमेंडेशंस ऑन दी रेलवेज, तो रेलवे में रीस्ट्रक्चरिंग फाइनेंस उन सब के बारे में विवेक देबरा कमेटी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुत्तस्वामी जजमेंट 2017 ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज रिगार्डिंग विच इशू, तो बहुत ही फेमस जजमेंट था ये। और इनका पूरा नाम देख लीजिए, के एस पुत्तस्वामी। सो ये इन्होंने फाइल किया था केस। द आंसर इज प्राइवेसी। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका रीजन समझिएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो बहुत डिबेट्स होते रहते हैं प्राइमरीली जब आधार कार्ड के ऊपर, कि आधार कार्ड कंपलसरी है या नहीं है। सो बिकॉज स्टेट चाहता है कि उसे सर्वेलेंस का राइट मिले कुछ, ताकि वो सिक्योरिटी और बाकी चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाए, और सिटीजन्स चाहते हैं कि उनकी प्राइवेसी सेफ रहनी चाहिए। तो ये जो बैलेंस होता है, इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, सरकार के अपने राइट्स हैं, बट सिटीजन्स की भी जो प्राइवेसी है वो उनका फंडामेंटल राइट है। तो काफी सिग्निफिकेंट यहाँ पे था KS पुत्तुस्वामी जजमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन आप देख सकते हैं। द राइट आंसर इज मिस्टर रजनीश कुमार। बाकी ऑप्शन देख लीजिए एक बार। सो सारे नाम वैसे काफी फेमस हैं। हर्ष कुमार भानवाला, ये हेड है नाबार्ड के। उसके बाद मिस्टर अजय त्यागी, ये सेबी के हेड हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद सुभाष चंद्र खुंतिया, ये हेड हैं इरडा के, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। सो ये इरडा के हैं, दिस इज मिस्टर त्यागी सेबी के हैं, और भानवाला जी नाबार्ड के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020 विच वॉज हेल्ड फ्रॉम 21st-23 फरवरी इन न्यू दिल्ली, वॉट वॉज द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस? तो थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कल भी बात करी थी इस बारे में। सो ऑप्शंस देख लीजिए। द राइट आंसर इज, काफी सिमिलर से ऑप्शंस हैं, द राइट आंसर इज जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। इस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा फॉलो अप करिएगा, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई है, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेस कर दिया, तो इससे काफ़ी जुडिशल वर्ल्ड में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है कि एक जज को पीएम को प्रेस करना चाहिए या नहीं। एनी वेज, आपको फैक्चुअल पॉइंट देख लीजिए, जुडिशरी इन द चेंजिंग वर्ल्ड, ये है थीम इस कॉन्फ्रेंस का, और हुई है न्यू दिल्ली में, तो सिटी भी पूछ सकते हैं आपसे, दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन द BFSI, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर फॉर यूथ विद डिसेबिलिटीज? तो द राइट आंसर इज SBI फाउंडेशन। तो एक पैक्ट हुआ है माइक्रोसॉफ्ट और SBI फाउंडेशन के बीच में, जिसमें दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, जो यूथ जिनको डिसेबिलिटीज हैं उनको BFSI फील्ड में ट्रेन करने के लिए। तो उसमें दो तीन काम होंगे। पहला काम ये होगा, कुछ यूथ्स लगभग 500 के आसपास को ट्रेन करा जाएगा इस सेक्टर में जॉब करने के लिए, और इसके साथ साथ एक AI इनेबल्ड मार्केट प्लेस भी ये लोग बनाएंगे। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत सारे काम इसमें होने वाले हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है, दोनों कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा, BFSI और SBI फाउंडेशन अलॉन्ग विद माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MCC मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन इज एन इंडिपेंडेंट फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी टू हेल्प इन लीडिंग द फाइट अगेंस्ट ग्लोबल पॉवर्टी।
तो ये जो एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन है फाइनेंशियल हेल्प के लिए, पॉवर्टी के लिए ग्लोबली, वो किस कंट्री को बिलोंग करती है? द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो विजिट अभी हो रही है फरवरी में इंडिया में, तो उस कारण से भी एमसीसी काफी डिस्कशन में भी आया है। कंट्री का नाम ध्यान रखिएगा और एक ग्लोबल पॉवर्टी के लिए इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरलॉक्यूटर्स अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू टॉक टू शाहीन बाग प्रोटेस्टर्स? तो सीएए के टॉपिक पर जो शाहीन बाग में काफी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रोटेस्टर अपॉइंट करे हैं, उनमें से एक का नाम यहाँ पे है। ऑप्शंस देख लीजिए, साधना रामचंद्रन, वजाहत हबीबुल्ला, सत्यानंद मिश्रा एंड स्वराज कौल। द राइट आंसर इज साधना रामचंद्रन। एक नाम और है, वो भी देख लीजिए, संजय हेगड़े। ठीक है, साधना रामचंद्रन, संजय हेगड़े आर दी टू इंटरलॉक्यूटर्स अलॉट, ऑफिशियली इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि ये लोग जाके बात करें। दे आर दी मीडिएटर्स और इंटरलॉक्यूटर्स, दोनों ही लोग सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सो जिम्मेदारी इनको दी गई है कि ये लोग शाहीन बाग प्रोटेस्ट से बात करें। इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी फाइल कर दी है, उसका जजमेंट शायद आने वाला है, उसका वेट करेंगे। चलिए, विच कंपनी हैज सेटअप न्यू मैन्युफैक्चरिंग आर्म इन दी फॉर्म ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी इन इंडिया? ये एक इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉरपोरेट का इसमें लॉजिक लगेगा। द राइट आंसर इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, कंपनीज एक बार देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है रैकेट बैंकिस, ये वही कंपनी है जो डिटॉल हार्पिक बनाती है, एचयूएल का नाम जानते हैं आप। यूनिलीवर इज अ वेरी बिग कंपनी, नेस्ले कॉफी वगैरह जो नेस्कैफे वगैरह बनाती है, और पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ठीक, अब यहाँ पे एचयूएल ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो अपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग आर्म बनाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ 100% न्यू सब्सिडरी, मतलब एक सेपरेट आर्म सी बना रहे हैं। अब इसका रीजन समझिएगा, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया है कि जो नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगे उसमें जो कॉरपोरेट टैक्स लगता है वो 25% नहीं लगेगा, वो कितना लगेगा, 15%। तो नए मैन्युफैक्चरिंग आर्म में जो कम टैक्स लग रहा है कॉरपोरेट वाला, 25 नहीं 15%, उसका फायदा उठाने के लिए एचयूएल ने ये स्टेप को लिया है। इससे इनका और एक्सपेंशन होगा और इनको टैक्स में फायदा मिलेगा। ठीक है, और ये जो नई आम ये सब्सिडरी बनाई है 100%, इसमें जो इनिशियल शेयर कैपिटल होगा वो होगा ₹2000 करोड़ का। ठीक है, तो ये 2000 करोड़ का फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर इन द वर्ल्ड? ठीक है, तो आंसर बताइए इसमें अगर आपको पता हो। वैसे ये चारों कंट्रीज इंपोर्टर्स हैं, चाइना, यूएस, इंडिया, जापान। द राइट आंसर इज इंडिया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, टॉप फोर कंट्रीज को ही लिस्ट किया है मैंने ऑप्शन के हिसाब से। फर्स्ट चाइना इंपोर्ट, अगर मैं इंपोर्टर्स की बात करूं, द लीडिंग इंपोर्टर इज चाइना, सेकेंड पे यूएस है, थर्ड पे इंडिया है, और फोर्थ पे जापान है। कोई भी पूछ सकता है आपसे, अभी मैंने थर्ड पूछा था, इंडिया है, बाकी चार आप देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, USISPF? ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा, ये एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है जो कि ट्रेड प्रमोट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिसेंटली फॉर्म हुआ था। आंसर सुन लीजिए, मुकेश आघी इज द आंसर। उसके अलावा अगर मैं बाकी ऑप्शन बताऊं आपको, संजीव पुरी, राजेश सुब्रमण्यम और पुनीत रंजन, ये तीनों लोग सीईओ नहीं है और प्रेसिडेंट नहीं है, बट ये बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर्स हैं USISPF के। ठीक है, संजीव पुरी इज दी ये फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, ही इज द एमडी ऑफ आईटीसी कंपनी। राजेश सुब्रमण्यम इज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडेक्स कंपनी, फेडेक्स कंपनी नाम आप जानते होंगे। एंड पुनीत रंजन इज द हेड ऑफ डेलॉइट कंपनी। और मुकेश आघी तो आंसर है इस क्वेश्चन का, तो ए सी और डी ऑप्शन दे आर मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। सही आंसर बी ऑप्शन है, मुकेश आघी। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप जी की विजिट हो रही है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन का प्रोमिनेंस दोबारा बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जो भी आपके ओपिनियंस हैं, बुराई अच्छाई जो भी आप फीडबैक दे सकते हैं जरूर दीजिएगा। और हमारे चैनल कॉन्सेप्ट ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारा चैनल और ग्रो हो पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।